अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये दो जगह गैंगरेप की घटना हुई है, बहुत घृणाकारी है और इसके सरकार इसके उसमें भाजपा सरकार में आगे दोषियों पे कार्रवाई करे, बल्कि दोषियों के बचाव के पक्ष में आ रही है। एक जो ये उसके उसमें हम कैंडल मार्च निकाल कौन हमारे देश में हमारी बहन हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और अभी जो कठुआ में जम्मू कश्मीर में जो कांड हुआ है, 8 वर्षीय बच्ची की जो जघन्य हत्या कर दी गई, रेप करने के बाद सामूहिक उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम सब लोग ये मार्च निकाल रहे हैं और के उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, जबकि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है और वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा उन्नाव कांड जो हुआ है उसमें भी सरकार का जो रोल है वो बिल्कुल बेहद खराब है और हाई कोर्ट बार बार कह रहा है कि भाई आप उसे अरेस्ट करिए, विधायक को अरेस्ट करिए, लेकिन सत्ता के दबाव में आप देखिए कि सत्ता जो है कितनी बेशरम हो रही है कि वो विधायक को पकड़ नहीं रही है और आज हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि किसी भी कीमत पे आप विधायक को गिरफ्तार करें। इन सब चीज़ों को लेके बहन बेटियों के सम्मान में जो बेटियों के साथ ये अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं।